नौकरी चल रही है। नहीं नहीं रिटायर हो गए। अच्छा, बड़ा मौज अब तो गांव गांव चक्कर लगाने जाया करो। गांव जाते हैं चक्कर लगाने। अच्छा, साल भर में चक्कर लगे जाते हैं। अरे लड़का के मारे ना पीछे पीछे खुली रुई है नहीं है बच्चे मेरे पास नहीं था। अरे मिला तो दिया हमने सारा डाल दिया। तो नहीं नहीं सारा नहीं, वो तो हमारा ही था। इतना वो तो मेरा प्रोग्राम था। अच्छा ठीक है अरे नहीं है तो चीनी डाल दे। चीनी डाल दो मिर्ची है अपना। ये हो गया
तीन खीर बना लो, सब रसोई में लगी है। बोले क्या हो? एक कपड़ा है आपको देख ली, और वो है आम की लकड़ी। कहाँ है आम की लकड़ी? डाल डाल बीच में। हेलो ये पवन जी ने नीचे से ले पवन जी ने नीचे से पवन जी ने नीचे से पवन जी ने रख दो अभी एक तरफ। ऐसे बनाओ ना। हाँ हाँ ऊपर से। हाँ
सीधा तब उसे ज्ञान हुआ वो मैंने संतों का अपमान किया। लौट करके जब गया तो उसी बड़के पुलिस ने के लाखों संतों को उसने प्रणाम किया, क्या किया, क्षमा मांगी और उसी मिट्टी में बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा को जंगल में बैठकर के साधु संतों के साथ सुना और उसी पत्ते पर केले पर प्रसाद खाया उसने। पहले तो कह रहा था मैं राजा हूँ, मैं केले के पत्ते पर मुझे तुम खिला रहे हो। इससे जो है भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उसको अमृत संपत्ति कर दिया। उसी समय से फिर तो ब्राह्मण अब तो हर महीने वृद्ध पूजा करने लगा और वृद्ध के प्रभाव से वो सारे दुखों से छूट गया और सभी दुखों के अंत में वैकुंठ हो गया। गुरु सत्यनारायण भगवान। अब इसी तरह से एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी था, लकड़ी बेचा करता था। क्या करता था वो भी प्यास से दुखी थी सहारा और उनको भी दुख पड़ते हुए देख कर बोला कि हे ब्राह्मण बेटा आ जाओ सब माल बना लो। हाँ भगवान के मंदिर में तो फटा फटाओ ये फूल रखो, फूल बना लो, थोड़ी फूल बना लो, इसको रखो वहाँ पहले बना। भाई तो खा ले संतरा। अरे खा ले, तुमने खाया नहीं? संतरा खाओ। हाँ खा तो नहीं। ये हमारे घर की रानी है। मैंने पैक कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ। आपको बांध दिया? हाँ बांध दिया जी। आ जाओ आप जगह देते जाओ, पीछे हो जाओ। अरे हमने तो अभी चाय तक नहीं पी, पीनी चाहिए ना कि ना। पीना चाहिए यार, खाली पेट का चाय पी लेते, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीते सब खा सकते हैं। हां लकड़ी लगे थे जब कितनी आउट। बाबू नीचे आओ, धागा बंधाओ। टकला कहां गया टकला? अब तो की कोशिश करते भैया को फोन करो ना, बोलो भैया आ जाओ, पूजा शुरू हो गई है, बुला रहे हैं बेटा बहू को। फसा होगा तो ठीक है, मैडम को लेके आ रहा हूं ना। नहीं है हां देखते हैं अभी, रुको नया है वो नहीं देना। चार दिन से तो पेट में दर्द हो रहा, बैठ ही नहीं पाता।
पत्रा दिखाने तो मंगलवार है ये बबले का है। अच्छा भाई इनका पोता ये बैठे है मौसा पैर छुओ अपने ठीक करते हो ना तुम्हें विद्या आई फटाफट आती है बाबू जी कर लेना बेटे दोनों हाथ से पंडित जी के जय कर लो जय करो जय हो क्या हुआ बोल दो नजर रखेंगे वो फिर ध्यान ना करें छोड़ दो छोड़ दो खड़े हो तो खड़े हो बंद जाता नहीं रहता है जा 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 अरे दवा ये बड़ा अच्छा बच्चा है तो वाह 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 मैंने सोचा नहीं जब मार कर दिया सबसे अच्छे लगूंगा हमारी लग गया तेरे भी लग गया अभी तो तुम रहे ना नहीं होगा हमारा तो सबसे पहले बांधो तुमने कहाँ जाओ चलो हवन कराओ कहाँ आ जाओ नीचे नहीं जाना लेकिन भैया एक आदमी तो बिल्कुल निगरानी पे रखना नहीं है ना बाहर है हाँ, एक आदमी सौ परसेंट रखना चौकीदार हमने बराबर छोड़ रखे ना 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 गृह प्रवेश है ना इसमें तो पहली बार नहीं करते फिर बाद में साल दो साल में छह महीना में कभी भी करवा लो निकल जाना नाना के पीछे से पंडित जी वहाँ भी तो लाए थे आप 626 में वहाँ भी तो खरीदी सत्यनारायण की कथा तो उन्होंने बोला होगा प्रेशर करा होगा कुछ तो अलग बात है शंख नहीं बजता शंख तो नहीं बजाया ना थाली तो बजती है थाली तो यहाँ बजाऊंगा शंख नहीं बजता ये तो गलत बात है नए ग्रह प्रवेश हाँ दोबारा आप ऐसे करवाओगे तो शंख नहीं बज जाएगा आप चढ़ा जाते आप ना टीका लगवा लो अगर नॉलेज नहीं होती है ना तो भैया शंख बजाओ कुछ भी करो कहते हैं नए मकान में पहली बार में शंख नहीं बजता और रही बात ये ड्रॉर में डाल दे अपने ड्रॉर में मैं ऐसा नहीं नहीं बजाऊंगा नए घर में कभी नहीं बजाना चाहिए हाँ जी पंडित जी जैसा आप ठीक समझो वही करना शास्त्र में जो लिखा है ना वो जरूर उसी के साथ चलना चाहिए जी जी के हम झूठे पहन के कथा करो या झूठे पहन के लगाओ नहीं नहीं सही बात है
नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गुरुदत्त नारायण भगवान की जय। समय योगीराज नारद जी हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आए, कहाँ आए, आपके इस देश में आए मृत्यु लोग में। यहाँ सबको दुखी हुए देखा नारद जी ने, तो नारद जी यहाँ से चले गए भगवान विष्णु के पास। कहाँ चले गए? विष्णु भगवान के मंदिर में पहुँच गए और नारद जी ने कहा, प्रभु आपका आदि नहीं और आपका मध्य नहीं, आपका अंत नहीं, आप निर्गुण पुरुष स्वरूप और जो है भक्तों के दुखों को नष्ट करते हो, आप मुझे ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कलियुग में सब लोग सुखी रहें। तब सत्यनारायण भगवान ने कहा कि आप ही नारद जी एक काम करो, सब लोग एक दिन पहले शाम को और जो है भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, सुबह अगले दिन उठ करके भगवान का नाम लेकर उठो, सब लोगों को निमंत्रण देकर के और भली भांति भगवान की पूजा करो। सवाया दे केले की फली घी द्वारी भगवान ओम प्राणाय स्वाह प्राणाय स्वाह गुण प्राणाय स्वाह अपानाय स्वाह कमले प्राणाय स्वाह प्राणाय स्वाह समानाय स्वाह शांतिमरमेरापयामि फलम समर्पयामि। सब देवताओं की अब सब फल गणेश जी की दक्षिणा चढ़ाए और सब देवताओं की दक्षिणा चढ़ा दो। हरे ओम आदित्य वसुरा विश्व देवा मधुरा त्रिपति प्रसन्ति धर्म कामाठरकम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न कूपा विष्णु वेद स्वस्ति न सा पूर्वरिष्ठ देवी स्वस्ति नो वैपते आदित्य वसुग्रह विश्व मर्दा कृतम के सन्तु धर्म काम सिद्धर ओम आदित्य वसुग्रह विश्व सन्तु धर्म काम विश्व आदित्य वसुग्रह विश्व मर्दा कृतम के सन्तु धर्म काम सिद्धर सदैव रक्षा करे, हर जगह रक्षा करे, आपके लिए यह घर बहुत अच्छा रहे, शुभ में हो लाभ में हो, भगवान सदैव रक्षा करे। हरि ओम उधर वाला हाथ लाओ, ये फूल ऐसे रखो ऐसे करो। ये बंधु बलराजा दानवेन्द्रो महाबल तेना ताम प्रतिवदना रखेमा चल। ये रक्षा सूत्र आपकी अखंड सौभाग्य की रक्षा करे, आपके मान सम्मान की रक्षा करे, ये घर आपके लिए शुभ में हो, आनंद में हो, लाभ में हो, रक्षा में हो। श्री गम गणपते नम आजूरी शांताकारं जगतये नम सान्नावमितुरेतरं देवधारं गगन सदृशमेव वर्णं सुवामिनं दैत्यमीकान्तं कमलिनैनं योगिजानगाम्यं वन्दे विष्णुभावहरणं सर्वलोकेकनाथ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिके
शरणे ते अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। ॐ करिपूरिवारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमो भवानी श्वेतमुना ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रान्तकारे भानतपिभुवि सुतो दुराश गुरुच शुक्रतनिराहुकेतुः शरवे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। बोलिए सच्चे दरबार की सत्यनारायण दरबार उमापति महादेव की जय। जय श्री राधेश हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर भोले बाबा की जय। हो बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा पैसे मोड़ लीजिए सर। आओ ठीक करवा दूँ आपको। आप कहाँ जा रही हो? उठना नहीं आंटी। अच्छा ठीक है जाओ। परेशानी हो रही है? हाँ सर दर्द हो रहा है, बहुत उल्टी आ रही। जाओ जाओ खाली पेट ना। हाँ खाली पेट खा ले बेटा। नहीं कुछ खा लेती, मैंने बोला था फल वगैरह खा सकते, कुछ खा लो सही हो जाएगा। नहीं संतरा खिलाओ, संतरा से आराम मिलता, संतरा बहुत बढ़िया रहता है। संतरा दो, ये गलत बात है। फल किसी की भी तबीयत अगर थोड़ी भी डाउन भी हो तो आप यहाँ से एक एक फल जरूर ले लें या थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। अगर जैसे कुछ खाया ना हो तो नहीं, पूजा में बैठना था तब भी फल तो खा सकते हैं। फल खा के फल खाओ, दूध पियो, चाय पियो, छाछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ पियो अपने तबीयत पर, भूखे मत रहो भैया। आप इधर आओ, ये लो मैं बेटी हूँ। हाँ तो क्या हो, बेटी है, शादी तो हो गई ना। मैं भी आ रहे हो पंडित। खाओ, आपने कुछ खाया नहीं? खाया सुबह से आपने? आपने ठीक है, आप भी खाओ। ये पंडित जी अच्छा टीका लगाइए जाओ। तुम भी टीका लगवाओ। जा रहे वो जा रहे ना, अभी नहीं जा रहे, 15-20 मिनट। आ जाओ आ जाओ इधर आ इधर आओ, टीका लगवाओ। भगवान आपको शक्ति दे। इनकी शादी नहीं हुई अभी, अभी तो इसमें बन आ रहे। इधर आओ पंडित जी, दामाद जी है, आ जाओ दामाद जी। इधर आओ आगे। दस रुपए रख देना पंडित जी के पैर छू लेने। आप अपने बच्चों को बुला सकते हो भाभी। ओ मालिक आए ना उनके, ये लड़के को तो आओ आप टीका लगवाओ ना। आप दादी बन गई, नानी बन गई, नहीं बनी नहीं बनी अभी, और चाची ताई और भाभी भी बन गई। आजा अंदर बैठ जाओ। कितने नाम बन गए यहाँ मायके में, तो खाली बहन बन के रह जाती। यहाँ तो बहुत नाम हो गया आपके, मजे आ गए। बोलो वंशी वाले की जय। कहने का मतलब है ससुराल में ही बहुत नाम बनते हैं, जो सुख जो है ससुराल में मिलता है ना वो कहीं दुनिया। हाँ, ये भी सही है। अंदर बैठ जाते हैं। सब को कौन करती है, बहुत यहाँ पर नाम बनते हैं।
पति की तो गाली भी आशीर्वाद होती है, मायके में तो भाई की भी जो है तुम पड़ा भी जो है आशीर्वाद नहीं मानी जाती, इसलिए हमेशा जिस लड़की का बाप कितना भी हर पति हो वह ससुराल में ही सुखी रहती है, मायके में कभी उसका गुजारा हुआ है नहीं है, ये हमेशा ध्यान करते हुए अपनी ससुराल पक्ष का ही हमेशा पक्ष लेना चाहिए, जिससे उसका धर्म सहेगा और जीवन गुजरेगा और वह आनंद भी मिलेगा, यही कार्य है। आज आप जो है इस प्रकार से बहुत साल से मालिक बन गई तो आपको बहुत कुछ मिला है, यहाँ बहुत कुछ मिला है, बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, शादी विवाह किया और भगवान की कृपा से आज यहाँ एक बहुत सुंदर कुटिया मिली है आपको, भगवान आशीर्वाद दे, इसी कामना के लिए आपकी मालिक को तो आप पूजा कराती है बोलू श्री देश भगवान ओम। लक्ष्मी जी की पूजा करो, अब हाथ लगाओ यहाँ, ओम यात्री प्रेम सुखना भवरे कुलक्ष्मी पापा देवी विश्वम। बोलो माता लक्ष्मी की रास्ता छोड़ के रख ये उधर से रख जाना, कोई नहीं आ रहा है गंगा जल पी जाओ, केशवाय नारायण माधवाय नमः, गंगा जल पी जाओ, केशवाय नारायण माधवाय नमः, हाथ धो लो हस्तौति काल्यम, हाथ धो लो हस्तौति काल्यम, ओम प्रदेवी पादतालोका स्वेन्द्र विष्णुन धृता भंज धारय मा देवी पवित्रं गुरुधातनं महा, श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरतादाति परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः, पाखण्डवणलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, बोलिए गुरु महाराज की जय। ॐ गणानाद्वागणपतिं नमामहे, प्राणाद्वाव्यपतिं नमामहे, निधीनाद्वानिधिपतिं नमामहे, वसोमहामधानि गर्वधमासमजाते गर्वधामः श्रीमन्मागणाधिपतये नमः, बोलिए गणेशजी की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, भोले बाबा की जय, गंगा मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय, कालिका माई की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राम श्याम, आज के आनंद की जय। हरे ओम ओम कोशकदंतस्य कपलोवजकर्णकलम्बोदर कवेर्गोविन्दनाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधत्तो भालचन्द्रो गजानना द्वादशानि नामानि या पटे चणयाधपि बेजारा विवाहिता प्रवीते निर्गभीतगातं रामे सङ्कटे चैव वेदनतत्न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सतीवर्णं चतुर्भुजं कृष्णवदनं ध्यायेन सर्वरूपशान्तहि अभिप्रेदार्थसिद्धरकं पूजतव्यात्परात्परहि सर्वविनहर दशमयि गणाधिपतये नमः। हरे ओम मां, नीचे हाथ लगा लो आप, तीन बार बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु श्री परमात्मने नमः, भगवान को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, आज के अपराधी बारह कल्पे वर्ष कर्मी कलयुगे कर्पुतम कलयुगम कृति वर्ष कृति कृति
वर्तमान संबत श्री नल नाम संबत संबत 2019 काशी पटवारी माता नाम संबत सुनाते बोलो फागुन मासे वो फागुन मासे शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि गुरु बच्चन के हत्या भी छीने मैंने बोलो बृहस्पति बादरी अंकी योगी नक्षत्र प्रणाम गोत्र उत्पन्न क्या गोत्र है आपका क्या नाम है आपका श्री धर्म पत्नी के सहित बोलो धर्म पत्नी के सहित श्री रिश्तेदार मेहमान सबका आशीर्वाद लेकर मेहमान सबका आशीर्वाद लेकर भगवान भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ भगवान मैं आपकी आप मेरी पूजा को स्वीकार करो आज मेरी पूजा को स्वीकार करो यह घर मेरे लिए शुभ में हो लाभ में हो रक्षा में हो इस घर में मैं धर्म पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ इसमें सुख पूर्वक रहूं अभी रखेंगे रखो बात करूँगा मैं इसमें सुख पूर्वक रहूं इसमें मैं सुख पूर्वक रहूं मेरे बच्चे सुखी रहें और इस घर में मेरे परिवार की रक्षा हो सब निरोग रहें स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें यहाँ से रहकर खूब लाभ हो यही भगवान मांगता हूँ श्री गणेशा देवता पूजन मह्यम कर सही जय हो खूब आशीर्वाद मिलेगा आपको जल का छींटा लगा दो आम के पत्ते से या थाली में आरोपा जो मर्गमात उनका आप हाथ लगा लिया करो यहाँ ऐसे यहाँ से टीका लगा दो बड़ी जी को गंगम समर्पया दादा को हाथ पकड़ जा चावल चढ़ा दो कप्तानी समर्पया तो आप आगे आओ आप जा रहे हो पीछे बैठी हो कप्तानी समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम तो वंदयामि दीपम धरिष्यामि बतासा चढ़ा दो ये जम निवेदयामि महाराज को नियम समर्पयामि ऋतफलमें लाल तो मुंगीफलम का मानते पूजा हम समर्पयामि गणेश जी को जखड़ा चढ़ा दो नहीं था रहता मालिक यही मालिक है मालिक यही महाराज जी तो बहुत अच्छे बहुत नाम के मालिक कितनी बढ़िया बात कही चढ़ानो पंडित जी आप पढ़ा दो दक्षिणा भगवान गणेश जी को दस चढ़ा जा बार बार बहुत दिनों से मालिक हुआ अब आपको बहुत दिन याद है कितने साल है गई बहुत साल हो गए पंडित जी शादी हुए कितने साल हो गए जब से मालिक हुआ शादी नहीं हुई थी तो आपके दो हाथ थे अब शादी होने के बाद चार हाथ हैं धर्म अर्थ काम और मोख सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तो चार जब शादी नहीं हुई थी तो दो ही हाथ थे होकर अंत में वो वैकुंठ हो गया गुरु श्री सत्यनारायण भगवान श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण कोई बात नहीं पर जरूरी है भैया रोज रोज नहीं होते शाम को आ जाए कोई बात
एक इधर भी बैठे हैं सब, देख लो ये घर के दामाद हैं, दाढ़ी वाले साधु बाबा, और ये घर के पोते खाऊ महाराज। और ये पड़ोस वाली भाभी इधर, हाँ ये पड़ोस वाली भाभी है, बता देती हूँ किसी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये घर के बेटा वो हाथी लाओ दोनों, किसान बन गए। ये गांव वाले बंदे अभी गमछा बांध के बता दिए, देखो हम गांव वाले हैं। तुम बढ़ा दो ना, नहीं अपने ये लो, फोन देखो, फोन आया किसी का, ये तुम्हारा है। ये इतना भीड़ ऐसे लेना, वाह। और वापसी में आपको ही गंगा जल में डालना है, ठीक है, और आप दाने भी डालना है ऐसी, वाह आप भी डालोगे, फिर मैं आपको कलावर टीका बांध दूंगा, बाहर हल्के हवा इधर की है ना, इधर ही धुआं है। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम प्रजापति नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय नमः, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सोमाय नमः, ओम भू स्वाहा, ओम भवे नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, ओम सामवेदाय नमः स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, ओम कुंभकल्पाय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, नमस्वाय ओम कलत्वर्णाभ्यां नमः स्वाहा, ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम भूपतिपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सब नामों से सब देवता अग्नि में ही रहते हैं, इसलिए सब देवताओं का भोजन हम अग्नि में कराते हैं, जैसे आप असली में भोजन करते हो रोज सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही भगवान भी यहाँ असली में भोजन कर रहे हैं। आप खीर चढ़ाओ, पूरी चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ। थोड़ी थोड़ी सब लेते जाओ।
इधर भी दे दो ना, बाहर भी दे। हाँ हाँ, विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान, नीचे नहीं जाना बिल्कुल। की जय। देख के बाहर आ रहे हैं, बाहर। हाँ हाँ, दोनों हाथ से। हाँ ले लो, जेब में रख लो आरती। हैं पंजीरी कहाँ है? और कटोरी में पंडित जी। भागा भागी नहीं बाबू, भागा भागी नहीं। मम्मी दे देना की कल्याण हो, जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय माता की,
धूप आ रही है ना, पता ही नहीं चल रहा। ये लो आधा आधा लड्डू रख जाना सबने। दोनों ले जाओ, कटोरी लगाओ, इधर फाइल जमा करो। दोनों ले जाओ, शुक्रवार आज है, कल ले शुक्रवार ले, शुक्रवार आज है, कल ले, कल लेना, कल लेते वो आएगा बैठेगा जी, वो दे दे जी। हां वो आपके मान सम्मान की रक्षा करे, आपके बच्चों की रक्षा करे। भैया प्रसाद बांटो, वो आ रही ना सामने से रोशनी, तो पता नहीं चल रहा धूप धूप की वजह से ना। हाँ की का अच्छा नेचर, अच्छा बोल चल, नहीं करी जो